हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह लेकर आता हूँ आपके बीच आपका अपना यूट्यूब चैनल। यूट्यूब हमारा है पर मैथ की बहुत ही छोटी और इंटरेस्टिंग मजेदार ट्रिकी वीडियो। तो दोस्तों, साथ ही साथ में मैथ के साथ साथ मतलब रीजनिंग की क्लास भी मतलब वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके बीच। तो रीजनिंग में जैसे कि चैप्टर चल रहा है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैंने बता दिया है इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग में अल्फाबेट्स मतलब कौन सा स्थान किस नंबर पर आता है। ए जैसे ए आता है फर्स्ट नंबर पे और जेड आता है आपका 26 यानी कि लास्ट नंबर पर, ठीक है ना। ऐसे टी आता है 20वें नंबर पर। इस तरह से मैंने सारे बता दिया, विपरीत अक्षर भी बता दिया। जैसे टी का बताया था मतलब जी होता है, जी टी रोड इस तरह से बताया था। एच का अपोजिट क्या बताया था, एस यानी कि हाई स्कूल इस तरह से। आई का अपोजिट क्या बताया था, आर यानी कि इंडियन रेलवे इस तरह से। मतलब ट्रिक के अनुसार बहुत ही ट्रिक और मजेदार जबरदस्त ट्रिक के साथ मैंने भी आपको याद करा दिए हैं, बता दिए हैं अपोजिट लेटर और वो, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है इसका पहला और दूसरे चैप्टर की। पहला चैप्टर जैसे कि मैंने बताया है अभी वीडियो में आपको मिलेगा लास्ट बीच में, उसके बारे में मैंने किस तरह से बताया है, ठीक है, किस तरह से समझाया। जब वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा किस तरह से मैंने पहले चैप्टर और सेकेंड चैप्टर को मतलब एक ही बार में थोड़े से हिंट में आपको बता दिया किस तरह से आपको कवर करने हैं वो चैप्टर, ठीक है। आप वीडियो पहले पूरा देखें तब तो उसमें मिल जाएगा आपको। अभी मैं बता रहा हूँ कि पहला चैप्टर जो होता है मतलब सादृश्यता और परीक्षण यानी कि एनालॉजी जो टेस्ट होता है उसमें किस तरह से हम करना है, मैंने उसके बारे में डिटेल से बता दिया है। दूसरी बात दोस्तों, दूसरा चैप्टर है आपका यानी क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण होता है उसके बारे में, दूसरे चैप्टर के बारे में मैंने बता दिया है कि किस तरह से आपको ये सोल्व करना है। और बाकी हमारा जो तीसरा चैप्टर चल रहा है वो तीसरा चैप्टर आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का चल रहा है। इसमें मैंने पहले बता दिया है कि मतलब कोडिंग डिकोडिंग में शुरुआत कराई थी मैंने, क्या करना है, मैं अल्फ़ाबेट्स कैसे याद करने होते हैं, ट्रिक बहुत ही शानदार और मज़ेदार और ट्रिक के साथ मैंने बता दिया है आपको अल्फ़ाबेट्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। कोडिंग एंड डिकोडिंग के मैंने 5 क्वेश्चन मैं इसमें जो भी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, 5, 6, 7, 8 जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है मतलब, ठीक है ना, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया मतलब किस तरह से पढ़ना है उसको, ठीक है। अब दोस्तों रीजनिंग में मैंने आपको बता दिया है कि चैप्टर चल रहा है कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्या चल रहा है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है नी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों मतलब अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं और डिजिट भी आ जाती है, ठीक है नी। अल्फाबेट्स लेटर होते हैं या फिर मतलब डिजिट अंक अंक होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बताना होता है कि इसके स्थान पर क्या आएगा, ठीक है नी। तो इसमें देखो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने पहले वीडियो में क्या बता दिया है आपको, मतलब उसका अल्फाबेट्स का मतलब कौन सा नंबर किस स्थान पर आता है, उसकी पोजीशन क्या होती है वो भी बता दिया है और उसके विपरीत अक्षर भी बता दिया है। अब मैं उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चंस आपका क्या है इसमें, आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चंस में कह रहा है यदि एस टी ए जी शब्द को एच जी जेड टी लिखा जाए और एच ओ आर एन को एस एल आई एम लिखा गया हो तो उसी कोड भाषा का प्रयोग करके नॉर्थ यानी कि एन ओ आर टी एच को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि मतलब विपरीत लेटर है मतलब विपरीत अक्षर है उसके दिया हुआ, या फिर मतलब उसका मतलब पोजीशन में क्या है, किस पोजीशन में मतलब 1+ हो रहा है या 2+ हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में हम इस तरह से देखते हैं। तो देखिए जैसे कि इन्होंने बता दिया, मैं सोल्यूशन बताऊँ आपको, बहुत ही ईजी और आसान क्वेश्चन है ये। तो जैसे कि एस टी ए जी इसको क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, एच जी जेड और टी लिखा जा रहा, और फिर क्या कह रहा, एच ओ आर एन, एच ओ आर एन इसको किस प्रकार लिखा गया है, एस एल आई एम इसको इस प्रकार लिखा गया। तो फिर कह रहा है ये एच सॉरी नॉर्थ यानी कि एन ओ आर टी एच को किस प्रकार लिखा जाएगा ये पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, मैं आपको पहले यहाँ बता दूं कि रीजनिंग की क्लास चैप्टर्स वाइज चलेंगे जैसे आपकी मैथ की चल रही थी, ठीक है नी। अब इसमें रीजनिंग में मैंने पहला चैप्टर कराया है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, ठीक है नी। फिर आपके क्या चैप्टर है सारे चलते रहेंगे जो क्वेश्चनों को आप ज़्यादा हार्ड या डिफिकल्ट मानते हैं, जैसे कि कैलेंडर है या फिर क्लोक है या फिर डाइस पासा होता है या फिर ब्लड रिलेशन होता है या फिर एक होता है पजल वाला, उस टाइप के क्वेश्चन मतलब सारे चैप्टर्स में आपको करा दूंगा बहुत ही आसान और ट्रिक के साथ, सभी आपको समझ में आएंगे, ठीक है, इतना मैं कह रहा हूँ आपको। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो मैंने बताया था अपोजिट वाला, तो ये एस किसके अपोजिट है, एच के, या एस के अपोजिट लिख दिया यहाँ पर लेटर, फिर टी का अपोजिट लिख दिया यहाँ पर भी, और फिर ए का अपोजिट लिख दिया ये जेड, ए का अपोजिट जेड लिख दिया,
फिर यहाँ पे भी जी का अपोजिट लिखा गया, ठीक है नी। तो ये इसके क्या है, विपरीत अक्षर है। मैं यहाँ थोड़ा लिख के बता देता हूँ क्या है, विपरीत लेटर, ठीक है नी। विपरीत लेटर इसके यहाँ दिखाया गया। ऐसे ही इसमें भी क्या है, एस के अपोजिट क्या है, एस होता है, और ओ के अपोजिट क्या होता है, एल होता है, और आर के अपोजिट क्या होता है, आई, और एन के अपोजिट क्या होता है दोस्तों, एम होता। तो हमें भी इसमें क्या करना, अपोजिट ही लिखना है इस वाले में, ठीक है नी। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये। तो एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है दोस्तों। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। आर का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, आर का आई होता है, क्या होता है, आई। टी का अपोजिट जी हो जाएगा, और एच का क्या होगा, एस हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा, क्या बनेगा, ये आंसर बन जाएगा SSC CHSL का। ये आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है नी। किसका है, SSC CHSL, मतलब इसकी वैकेंसी चल रही है। मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा, मतलब कितनी वैकेंसी है पूरा उसके डिटेल में बनाऊंगा वीडियो। थोड़ा टाइम नहीं बन पा रहा क्लास की वजह से, उनके पहले क्लास कंटिन्यू हमारी चलती रहे उसकी, तो मैं बनाकर वीडियो दे ही दूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आप। देखो एक बार मैं रिपीट कर दूं, मतलब अपोजिट लेटर है इसमें क्या है, यानी कि उसका विपरीत है अक्षर पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चंस, ज्यादा इतने टफ या कोई मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा हमें बस प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चंस को। इसमें मैं बता दूं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में क्या होता है, हमें मतलब सभी प्रकार से लेटर याद होने चाहिए, उसकी क्या पोजिशन है, कितने नंबर पर आता है। जैसे एच 8वें नंबर पर आता है, आई 9 पर आता है, टी 20वें नंबर पर आता है, वाई 25 पर आ गया, जेड लास्ट में यानी कि 26 पर आ गया, ए फर्स्ट लेटर होता है तो पहले नंबर पर आ गया, ठीक है। ये पोजीशन उसके याद होनी चाहिए, और दूसरी बात दोस्तों उसके विपरीत अक्षर भी होने चाहिए, जैसे कि इसमें विपरीत अक्षर का प्रयोग किया गया, ठीक है नी। तो सभी तरह से हमें याद होने चाहिए। अब दूसरी बात, मैथ में जैसे मैंने क्यूब करा दिए हैं, घन और स्क्वायर करा दिया, मतलब वर्ग घन और फिर बहुत सारी चीजें बता दें, ये भी होना चाहिए आपको, क्योंकि पता नहीं चलता रीजनिंग में कौन सा ट्रिक लग रही है इसमें, ठीक है। अभी इसमें एक ऐड कर देगा, फिर अगले वाले में दो ऐड कर देगा, फिर तीसरे वाले में तीन, फिर चौथे वाले में चार, इस तरह से भी ऐड करता चला जाता, माइनस भी करता चला जाता, फिर दो दो भी माइनस हो जाता है, मतलब टू टू यानी कि दो दो माइनस कर देता है, या फिर तीन तीन प्लस कर देता है। इस तरह से रीजनिंग का कोई मतलब हिसाब नहीं होता इसका, मतलब कुछ भी हो सकता। तो हमें क्या होता है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम उन क्वेश्चनों की, या मतलब जितने हम उसको सॉल्व करेंगे उतनी हमारी प्रैक्टिस बनती चली जाएगी, तो हमें क्वेश्चन खुद में खुद पता चलता चला जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, अब मैं लेकर आ रहा हूँ इसके साथ, मतलब बताऊंगा आपको दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि टी ओ आर सी एच को आई डी एस एन एस ये लिखा जाए, तथा पी आई एस टी ए को क्या लिखा जाए, बी यू टी एच ओ लिखा जाए। देखो दोस्तों यहाँ पर एक निशान आ रहा होगा, ठीक है ना, मतलब ये थोड़ा पता नहीं कहाँ से कौन सी लाइट आती है, शायद लाइट भी जला रखी है ना रूम में, तो थोड़ा शायद उसकी लाइट आती है ना। तो ये ठीक है, इसका मतलब टी समझ में आ रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा होगा। मैं और इसको थोड़ा डार्क कर दूं एक बार, फिर भी बोल रहा हूँ मैं, रिपीट कर रहा हूँ, बी मतलब पी आई एस टी ए को क्या लिखा जाता है, बी यू टी एच ओ, ठीक है ना, बी यू टी एच ओ लिखा जाए। तो उसी कूट भाषा में बी एल आई एन के को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये भी रीजनिंग का है। अब देखो इसमें ना तो अपोजिट लिया गया है, ठीक है नी। मैं सब तरह तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा, आप बाकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप इसको मतलब जो है पहले सोल्व भी कर सकते हो खुद ही, ठीक है नी। स्टॉप करके वीडियो को आप जो है मतलब इसको पहले सोल्व कर सकते हो, लेकिन देखना यह है कि इसमें मतलब करना कैसे है, ठीक है नी। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, सभी तरह के प्रश्न कराऊंगा मैं, अपोजिट वाले भी कराऊंगा, माइनस वाले भी, प्लस वाले भी, स्क्वायर वाले भी, और क्यूब वाले भी, सब तरह तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, एक एक दो दो क्वेश्चन, तो फिर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, मतलब देखो इसमें क्या कहा गया, एक ऐड कर दिया गया, एच हमारा 8 नंबर पर आता, ये 9 पर आता, ठीक है नी। तो या तो फिर आप ऐसे हाथों हाथ प्लस बन करते चले जाओ, ठीक है नी, इस तरह से। फिर यहाँ पर भी एक ऐड कर दिया गया प्लस 1, यहाँ पर भी प्लस 1, ठीक है दोस्तों। फिर आगे चल के क्या करा इसमें, फिर माइनस वन कर दे रहा है, क्या करते गया, माइनस वन, फिर यहां पर भी माइनस वन, यहां लिख देते हैं माइनस वन, ये माइनस वन। देखो टी हमारा कितने पर आता है, 20 पर आता है, तो एस हमारा 19 नंबर पे आ गया, ठीक है, यानी कि एक कम हुआ।
यहां से शुरुआत किया इन्होंने, एच एच हमारा 8 पर आता, आई 9 पर आ जाएगा, तो एक एक प्लस कर दिया, ठीक है ना। फिर मतलब सी हमारा कितने पर आता, 3 पर आता है, और डे हमारे चौथे नंबर पर आता है, तो इसमें भी प्लस बन क्या गया है, ऐसे ही आर 18 पर, और एस क्या हो गया 19 पर हो गया, तो एक ऐड किया गया। अब देखेंगे हम चौथे लेटर को, मतलब फोर्थ लेटर को देखेंगे हम, ओ पर हमारा, ओ 15 नंबर पर आता है, और फिर एन कितने पर आ गया, 14 नंबर पर। तो यानी क्या गया, क्या 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 गया यहाँ पर, मतलब एक माइनस किया गया, ठीक है नी। ऐसे ही 20 पर आता है ये टी, और ये 19, ठीक है। तो ऐसे ही हम इस तरह से एक ऐड करेंगे इसमें, तो बी आ जाएगा, 1 प्लस कर दिया, फिर इसमें एक ऐड करेंगे तो 20 से क्या हो जाएगा, 21, यानी कि यू आ जाएगा टी का। ऐसे ही एस 19 पर आता है, और टी 20वें नंबर पर आता है, तो 1 प्लस कर देंगे इसमें भी, मैं यहाँ पर लिख दूं 1 ऐड कर दिया। फिर आई हमारा 9 पर आता है, लेकिन हमारा एच कितने पर आएगा, 8 पर आता है, तो यहाँ पे क्या गया, माइनस 1 कर दिया। जैसे पहले दो तीन बार प्लस किया गया, ऐसे ही 3 बार इसमें प्लस कर दिया, फिर 2 बार माइनस किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, फिर इसमें भी एक माइनस हो गया, ठीक है दोस्तों, इसमें भी माइनस 1 कर दिया। अब क्या है, हमें ऐसे ही इसका बताना है, ठीक है ना, बी एल आई एन के का। तो यहां से ही करेंगे हम उल्टा, तो इसका जो है मतलब क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो के हमारा 11वें नंबर पर आ गया, तो के बाद क्या आता, एल आता, यानी कि 12वें नंबर पर, ठीक है ना, एल लिख दिया हमने 1 प्लस करके। एन आता हमारा 14वें नंबर पर, फिर हम एन के बाद क्या आता, एम एन ओ, मतलब क्या लिख देंगे हम, ओ लिख देंगे, यानी कि 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे आई हमारा कितने पर आता, 9वें नंबर पर आता, और हम जब 1 ऐड करेंगे इसमें भी, जैसे कि हमने पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या है, इसमें भी हम 1 ऐड कर देंगे तीसरे वाले में, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, जेड जे आ जाएगा, सॉरी जेड नहीं जे, ठीक है, 10वें नंबर पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, चौथे वाले लेटर को इसमें क्या करेंगे हम, माइनस 1 कर देंगे, तो माइनस 1 करके एल हमारा कितने पर आता है, 12वें नंबर पर, तो के कितने पर आता है, 11वें नंबर पर, तो के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, के माइनस 1 किया गया, फिर इसमें भी हम 1 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा, बी के बाद क्या आ जाएगा, माइनस होगा, ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो ये कितना अच्छा डिजाइन भी बन गया, ठीक है, एक फूल सा भी बन गया। आप भी इस तरह से मतलब इसको कर सकते हैं सोल्व, ठीक है। तो इस तरह से मतलब प्लस माइनस ऐसे भी चलती है सीरीज, या फिर पहले प्लस 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 फिर माइनस माइनस माइनस, इस तरह से भी चलती है सीरीज। 2 भी ऐड हो सकता है, 3 भी ऐड हो सकता है, स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर ऐसे ऐड हो सकता है, फिर 4 का स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर में माइनस भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर रीजनिंग में कुछ भी किसी भी तरह का मतलब अपोजिट हो, विपरीत लेटर, या तो तरह तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, और किस एग्जाम में आते हैं आप सभी समझ रहे होंगे कि कोई सा भी एग्जाम हो, रीजनिंग में हर तरह के क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन तो एक या दो प्रश्न या तीन प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जैसे कि अभी एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आई हुई है, उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अब मैं एसएससी का नाम नहीं ले रहा, अगर आप रेलवे या पुलिस या किसी भी तरह की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या होगा, ये हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है, इसी प्रकार से मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, देखो मैंने पहले अपोजिट लेटर वाला बता दिया, इसमें जो है पहले प्लस 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 फिर माइनस माइनस माइनस, इस तरह से कराया, ठीक है। अब थोड़ा अलग क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि अलग तरह का क्वेश्चंस होते रहने चाहिए, सभी तरह के क्वेश्चंस होंगे तभी हम उसमें अच्छी पकड़ बना पाएंगे, ठीक है। आप जितने प्रैक्टिस करेंगे इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आपका अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब और हमारा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए या आपको मिल पाए, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। हाँ, तो इसका थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, अब ये इसका करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो किसी खास कोड में एफ ई ए आर को प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड और स्टार के रूप में लिखा जाए, और उसी प्रकार आर ई ए डी को स्टार और मल्टीप्लाई का चिन्ह यानी गुणा का चिन्ह, और जो है हमारा भाग यानी कि डिवाइड और डॉलर यानी इसके रूप में लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में F A D E को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सब मैंने सिंबल में ले लिया है, ठीक है ना, यानी कि जो प्रतीक होते हैं या किसी के साइन होते हैं, जैसे मल्टीप्लाई है डिवाइड है, उसके मतलब चिन्ह होते हैं, ठीक है नी, उसमें ले लिया है। क्योंकि क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि हर तरह का अलग ही क्वेश्चन कराना है, क्योंकि अगर मैं वही एक तरह के क्वेश्चन कराता रहूंगा विपरीत लेटर में, तो दोस्तों कोई फायदा नहीं होगा उसका, ठीक है, वो आप प्रैक्टिस करें। और बाकी जो होगा क्या होगा, इसमें हम इसको अलग तरह का क्वेश्चन देते रहेंगे
अलग अलग तरह का, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बढ़कर ही देंगे। अब ये क्या कह रहा है देखो, इसमें देख सॉल्यूशन कर लेते हैं। एफ ई ए एफ ई ए आर को, ए आर को किसमें लिख रहे हैं, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड और स्टार के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हो गया, और इसका मतलब ये हो गया, और इसका मतलब ये हो गया। अब देखो इसमें प्लस माइनस का तो होगा नहीं हिसाब, क्योंकि लेटर होते हैं तो प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है नहीं। उसी प्रकार आर ई डी को, आर ई ए डी डी, इसको क्या लिखवा रहा है, ये स्टार, और फिर क्या है मल्टीप्लाई, और फिर क्या है डिवाइड, और फिर एस यानी कि डॉलर है ये, ठीक है ना, डॉलर का साइन होता तो ये लिखवा रहा। तो दोस्तों देखो यहाँ आर का मतलब क्या हो गया, स्टार हो गया, ई का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और ए का मतलब क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और डी का मतलब क्या हो गया, डॉलर हो गया, ऐसे एफ का मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया, ई का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ई का मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई है, ए का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर तीसरे नंबर पर ए है तो यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह हो गया, तो यहाँ पर भी ए का मतलब क्या हो गया, डिवाइड का चिन्ह। आर क्या दे रखा है यहाँ पर, स्टार दे रखा है, और यहाँ पर आर का मतलब क्या दे रखा है, स्टार, और यहाँ पर भी आर का मतलब स्टार, ठीक है। अब देखो डी इसमें नहीं है, तो डी का मतलब क्या हो गया, इसमें डॉलर हो गया। तो हमें पूछ क्या रहा है, ये एफ ए डी, एफ ए डी को पूछ रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा मार्कर पेन चेंज कर देता हूँ, एफ ए डी को पूछ रहा है, तो हम इसका भी निकाल लेंगे दोस्तों, बहुत आसान है, एफ ए डी ई। तो देखिए आप एफ का मतलब क्या है, यहाँ पर एफ इसमें है, तो एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है प्लस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, प्लस लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या आया, ए, ए का मतलब क्या दे रखा, ए तीसरे पर है, ये तीसरा है, तो मतलब डिवाइड का चिन्ह है, तो हम डिवाइड का चिन्ह लगा देंगे, ए का मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड का चिन्ह। फिर है डी, तो डी हमारा इस वाले में मिला हुआ है, तो क्या है डी, डॉलर, यानी कि एस बनाकर इस तरह से जो काटते हैं डॉलर का चिन्ह हो जाता है ये, ठीक है ना, उसका वो आ गया, सिंबल ले लिया। फिर इसके बाद क्या है, आर है, आर क्या है, स्टार है, और इसमें भी स्टार दे रखा, सॉरी ई है, ई, फिर क्या है हमारा ई, ई दूसरे नंबर पर है, इसमें ई मल्टीप्लाई आएगा, तो ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई, इसमें भी देखो मल्टीप्लाई है ये ई, ठीक है नी। तो इसका आंसर मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, एफ का मतलब प्लस हो जाएगा, ए का मतलब डिवाइड, और डी का मतलब क्या हो जाएगा, डॉलर, और डॉलर का सिंबल मतलब साइन, और चिन्ह जो है उसके, है ना, और जैसे क्या हो जाएगा, ई का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पर इसका भी एरो का चिन्ह बना देता हूँ, ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मतलब ये कह रहा है ना कि इसको मतलब किसी खास कोड को इसको ऐसे लिखा जाता है, और एफ आर ई ए डी को, रेड को मतलब इस तरह से लिखा जाता है, तो एफ ए डी ई को क्या लिखा जाएगा, तो उसी कूट भाषा में पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस तो कर नहीं सकते हम, क्योंकि प्लस माइनस तो उसमें होता है, जा मतलब प्लस माइनस तो उसमें ही होगा ना दोस्तों, जब लेटर से लेटर पूछा जाएगा या डिजिट पूछा जाएगा तभी तो हम पता चल पाएंगे, लेकिन इसमें सिंबल दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, जैसे साइन दे रखे हैं वैसे ही रख देंगे उसको, ठीक है। तो हो गया अलग तरह का क्वेश्चन, तो इस तरह के सभी तरह के क्वेश्चन मैं इसमें बता दूंगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम फोर्थ, हाँ तो देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जिस प्रकार डी आई बी ई को ई आई बी डी तथा एस ओ यू एल को एल ओ यू एस लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में एफ ई ए आर को क्या लिखा जाएगा। तो देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन थोड़ा अलग है हटके, ठीक है ना, उससे अलग बताने का ही मतलब है। तो इसमें क्या कह रहा है ये, मतलब डी आई और वी ई, डी आई वी ई डी को क्या लिखा जा रहा है, ई आई बी डी। आप इसको पहले सोल्व कर सकते हैं वीडियो स्टॉप करके, और फिर बाद में आप समझ सकते हैं अगर आप कितने सेकंड में इसको कर पा रहे हैं, ये भी आपकी स्पीड यानी कि हैबिट में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैं इसका बाकी सॉल्यूशन करा रहा हूँ। फिर दोस्तों इसमें लिखा क्या जा रहा है, ई ई आई और वी और डी लिखा जा रहा है, ठीक है नी। और फिर उसी तरह एस, यहां पर मैं ऐसे कर दूं, एस ओ यू एल, इसको क्या लिखा जा रहा है, एल ओ यू एस, ये लिखा जा रहा है। तो उसी कूट भाषा में एफ ई, सॉरी एफ ई ए आर, इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो क्या आ रहा समझ में, यहां पर मतलब यहां पर देखो इस पर निखा मारो पहले,
इस क्वेश्चन में कि मतलब प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है या फिर अपोजिट लेटर तो नहीं है, मतलब देखिएगा इसको ध्यान से। तो दोस्तों जब आप इसको देखेंगे तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें देखो क्या हो रहा है, ये ऐसे करके ला रहा है इसको, ठीक है नहीं, मतलब जो लास्ट वाला लेटर है वो फर्स्ट नंबर पर रख दिया और जो फर्स्ट वाला लेटर है वो कहां पर रख दिया, लास्ट में ले आकर, और बाकी जो बचे वो सामने ऐसे ले आया उसको, ठीक है नहीं, इसके इसके सामने ऐसे लिख दिया, ठीक है नहीं। तो वैसे ही इसमें क्या करा, इसका जो लास्ट वाला लेटर है वो फर्स्ट नंबर पर लाकर रख दिया और जो फर्स्ट वाला लेटर है वो लास्ट वाले में लाकर रख दिया और सामने वाले लेटर ऐसे ही लिख दिए उसकी, ठीक है नहीं, इस तरह से। तो ये वाला भी आपका हो जाएगा, आर लास्ट में ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा पहले नंबर पर, एफ हमारा फर्स्ट नंबर पर है तो ये आ जाएगा लास्ट वाले पर, ठीक है नहीं, एफ आ गया। बाकी जो इसके सामने वाले लेटर है वो ऐसे लिख देंगे, तो ई ऐसे आ जाएगा दोस्तों और ए भी ऐसे आ जाएगा ए, ठीक है। तो देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन, अब ये आसान तो है लेकिन इसमें तरीका आपने देखा होगा कि ये अलग तरह का क्वेश्चन है, मतलब ना तो अपोजिट में है और ना ही इसके मतलब प्लस होके हो रहा है और ना ही माइनस होके हो रहा है, ठीक है, और ना ही इसमें सिंबल वाला चौथा क्वेश्चन से, तो अलग ही तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से भी आ जाता है। अब ये कितने कितने लेटर में, ये फोर फोर लेटर में, मतलब 1 2 3 4 और यहाँ पर भी चार ही है, मतलब 1 2 3 4, ठीक है ना, इस तरह से है। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि चार लेटर का ही पूछेगा इस तरह से, मतलब बहुत बड़े नंबर पे देता है, मतलब 7 लेटर होते हैं, 8 तक होते हैं, 9 तक होते हैं, ठीक है नहीं, तो उसमें हमें काफी टाइम लग जाता है, मतलब ऐसे ऐसे करने में, फिर उसके नीचे लाने में, फिर एक ऐसे चला, तो इस तरह के, मतलब वो कब आएंगे आपके आपके स्पीड में, जब वो स्पीड में तभी आ पाएंगे, उनको पहचानने में आपको तभी मतलब आसानी होगी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। वीडियो देखें और शुरू से एंड तक बने रहे वीडियो में और फिर उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। चैप्टर्स वाइज मैं चलाऊंगा आपके हर प्रकार के एग्जाम में, ये मतलब हेल्पफुल होगी वीडियो, ठीक है दोस्तों। ठीक लग रहा है ये क्वेश्चन, अब देखते हैं इसका 5th क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं इसका 5th क्वेश्चन हम, तो 5th क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि नीला को हरा, हरे को सफेद, सफेद को लाल और लाल को पीला कहा जाता है तो दूध का रंग कैसा होगा। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि नीले को हरा कहा जा रहा, कोई नीला है उसको क्या कहा जा रहा कि हरा, और हरा है तो उसको क्या बोला जा रहा है सफेद, और सफेद है तो सफेद को कहा जा रहा है लाल, और लाल है तो लाल को क्या कहा जा रहा है पीला कहा जाता है या कहा जा रहा है, ठीक है नहीं, तो दूध का रंग कैसा होगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दूध का जो रंग होता है, मैं ऐसे ऐसे लिख दूं इसको, दूध दूध का जो रंग होता है, दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है दोस्तों, कैसा होता है दूध का रंग सफेद, यानी कि व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अब जब ये दूध का रंग सफेद होता है, लेकिन इसमें सफेद को कहा क्या जा रहा है, सफेद को कहा जा रहा है लाल, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है सफेद को, लाल कहा जा रहा है मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है सफेद को कहा जा रहा है दोस्त लाल, ठीक है। तो हम इसमें पूछ रहा है कि दूध का रंग कैसा होगा, तो दूध का रंग तो सफेद होता ही है सब जानते हैं, लेकिन सफेद को कहा क्या जा रहा है, लाल कहा जा रहा है, कि सफेद को हम बोलेंगे अब लाल, तो इसका दूध का रंग कैसा होगा, मतलब लाल होगा, कैसा होगा लाल, ये आपका ऑप्शन होगा। अब देखो यहां पर सफेद, इसको सफेद को बोला जा रहा है, इसको क्या बोला जा रहा है सफेद को लाल बोला जा रहा है, ठीक है नहीं, तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, दूध का लाल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं और ये क्वेश्चन सारे कोडिंग डिकोडिंग के ही होते हैं, जो मैंने अभी पहली वीडियो बनाई है, मतलब उसमें कोडिंग डिकोडिंग के पहले तो बताया था उसमें अल्फाबेट्स में किस पोजिशन पे क्या आता है, ठीक है। और वैसे कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ इस वीडियो में, मतलब कौन सा चैप्टर चल रहा है ये, तो आप बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो दूध का रंग क्या है यहाँ पर, मतलब दूध सफेद होता है, दूध का रंग कैसा होता है सफेद, और सफेद को भैया बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है लाल, तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा इसका, आंसर होगा लाल, ठीक है नहीं। ये सब क्वेश्चन आए हुए ही हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और दोस्तों कई तरह के मैंने क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 5th क्वेश्चन है ये, तो मतलब 5th क्वेश्चन हमारे तरह तरह के हो गए, ठीक है। अब इस तरह के मैं क्वेश्चन को करा के और इस चैप्टर को जल्दी से फिनिश कर दूंगा और फिर आपका जो नया चैप्टर लेकर आऊंगा, कोई भी बहुत बहुत अच्छा चैप्टर या इससे अगला चैप्टर, ठीक है नहीं। इसके देखो जो पिछले जो 2 चैप्टर है, मैंने जो 2 चैप्टर शुरुआत की थी,
वहां मैंने इसलिए नहीं शुरुआत की, जैसे कि चैप्टर होता है ये पढ़ के बता देता हूँ आपको। एक तो होता है एनालॉजी टेस्ट वाला होता है, एनालॉजी वाला ये दिखा देता हूँ। इसमें जी के और आवाजों पर देखो, मैं यहाँ पर आपको वीडियो में दिखा दूँ दोस्तों। ये वाला अगर मैं चैप्टर करा हूँ आपको तो मैं इसमें दिखा देता हूँ। देखो ये है एनालॉजी वाला, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा, ये महत्वपूर्ण सामान्य रंग, मतलब ये क्या है, हमारी यूनिट है सब। क्या है ये यूनिट है, ये ठीक है, ये यूनिट है, ये भी यूनिट पर आ गया है, और बाकी ये वाला जो आ गया है ये भी यूनिट पर ही है, ठीक है ना। इकाइयों पर जो मात्रक होते हैं, ये क्या दे दिया है, विषय पर दिया, मतलब कौन सी बुक किस उसकी होती है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए जूलॉजी है, तो जूलॉजी में किसका वर्णन होता है, जीव और जंतु का होता है, किसका होता। और माइकोलॉजी है, तो माइकोलॉजी में कवक का होता। इसमें तो भैया ऐसा है कि आप रीजनिंग, मतलब जी के अगर आपका अच्छा है तभी आप कर पाओगे इसको, कितना भी समझा लो, ठीक है नहीं। अब देखो ये वाला है, तो ये उसका आ गया कार्यस्थल पर, जैसे कि जो है बनिया होता है तो कहाँ, दुकान पर होता है, ठीक है। मजदूर कहाँ करता है, फैक्ट्री में। मैकेनिक गैराज में, इस तरह से ये है, देखो जहाँ मार्कर है मेरा, मैकेनिक गैराज में। ये है नौकर, तो नौकर का घर, घर में होगा। शिक्षक है, तो शिक्षक कहाँ पर वर्क करेगा दोस्तों, स्कूल में करता है, ठीक है नहीं। अब तो यूट्यूब पर भी करने लगे, अपने स्कूल मत जाओ, घर ही अपने बैठ के करने लगो, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो ये है हमारा 11 वाला अलग है। ये देखो, यह हथौड़ा, कील गाड़ना, फावड़ा, खुदाई करना, पेचकस, पेच कसना। ये देखिए बैडमिंटन कहाँ खेला जाता, कोर्ट में जहाँ खेला जाता बोला जाता। व्यायाम, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं तो उसको व्यायामशाला में, ठीक है नहीं। ये रेसिंग है, तो ट्रैक पर होगी। बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग रिंग पर होगी, रिंग में, मतलब रिंग होता है उनका, है ना, खेलने का स्थान बोला जाता है उसको। चीनी किससे बनेगी, गन्ना से। किताब किससे बनेगा, कागज़ से। कागज़ किससे बनेगा, लुगदी से, ठीक है ना। ऐसी ऊन किससे, ऊन मतलब किससे प्राप्त होती है, भेड़ से। इस तरह के क्वेश्चन है। देखो ये रहे, ये अलग है, पंखा, पंख, घड़ी, सुई, किताब, अध्याय, ठीक है। और ये भी है इधर। तो दोस्तों ये चैप्टर कितना बड़ा है आप समझ नहीं सकते इसको, इस बुक में ये है। अगर ये बुक आपको, मतलब आपने पढ़ ली या रिपीट कर ली तो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और मैं ये भी नहीं कह सकता, देखो इस तरह से क्या, ये बुक पढ़ ली तो आपको मतलब सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसमें होता क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा टॉपिक है, ठीक है। तो ये बुक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये पहला चैप्टर मैंने छुड़वा दिया। देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चंस का टाइप किस प्रकार का होता है। जीके पर है ये, देखो ये पेज है पूरा भरा हुआ है, कई पेज मैंने पलट दिए, ये देखिएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसका मैंने जो है, मतलब पहला चैप्टर इस वजह से छुड़वा दिया, ठीक है। ये पहला चैप्टर जो है इसका, मतलब कहाँ तक बताया जाएगा दोस्तों। अब बात आती है इसकी, देखो ये क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से स्टार्टिंग किया है, ये क्वेश्चंस आपके पहले चैप्टर में ही है, ये हो जाएंगे सारे, इसी से हो जाएंगे। इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग का ही रूल लग रहा होगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं, देखो आए हुए भी हैं, जैसे कि ये आया हुआ है, ये देखिएगा, ये मतलब SSC टायर 1 में आया हुआ 2013 यानी 2013 में, और CPO में ये 2006 में आया हुआ है, ये SSC 2005 में आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे, ये देखो यहाँ पर आप देखोगे ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। ये बुक है, मतलब ठीक ठाक है, ये बुक ठीक ठाक नहीं, काफ़ी अच्छी बुक है। अब वर्गीकरण, दूसरा चैप्टर आता है इसका क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन होता है इसमें भी ऐसी होता है थोड़ा, ठीक है नहीं। इसके मैं क्वेश्चंस करा दूँ, देखो बता दूँ दोस्तों, भिन्न बताया जाता है, थोड़ा अलग बताया जाता है। जैसे कि मैं इसका एक क्वेश्चन बता दूँ, देखो कितने आए हुए हैं, सारे प्रश्न आए हुए हैं इस बुक के, ठीक है नहीं। जैसे कि मान लीजिए आता हूँ, चलो 96वां देख लेते हैं, ये 96वां है। तो 96 में क्या होता है, मतलब इसमें बताना क्लासिफिकेशन वाले में, यानी कि वर्गीकरण में छांटना होता है भिन्न। जैसे कि पहला है इसका नाक, दूसरा क्या है हाथ, ये है रहा हाथ, ठीक है नहीं। तीसरा क्या रहा, कान। चौथा क्या रहा, त्वचा। फिर क्या रहा, आँख, यानी कि नॉइज, हैंड, ईयर, और फिर क्या हो गया दोस्तों, त्वचा यानी कि स्किन, और फिर आई, ठीक है ना, आँख है, आँख, ठीक है। इस तरह का ये हो गया, तो भिन्न बताना। तो दोस्तों नाक, नाक, आँख, त्वचा और कान और जीभ, ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, पांच ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक है, आपने पढ़ रखी होंगी साइंस में। और दूसरा क्या है इसमें, हाथ। तो ये वाला विकल्प क्या होगा इसका, भिन्न है, ठीक है नहीं। तो ये होता है,
तो ये पहला और दूसरा चैप्टर जो है ये खुद आप कर सकते हैं, इसको कोई टफ लेवल का नहीं है, पढ़ाने का नहीं है, समझाने का नहीं है, बस एक बार बताया जाता है कि इसमें से भिन्न छांटना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया है कि आँख नाक कान और जीभ और त्वचा, ठीक है। नहीं, आँख हो गई मतलब जिनसे हम देखते हैं, कान जिनसे हम सुनते हैं, जीभ यानी कि जीभ से हम स्वाद का पता चलता है, हमें स्वाद का पता चलता है खट्टा मीठा नमकीन कड़वा कैसा है, ठीक है नहीं। और स्किन, स्किन से हमें अनुभव होता है, जैसे कि स्किन है इससे हमें अनुभव हो जाएगा कोई पिंच करेगा इस तरह से, या फिर ठंडा गर्म का ये एहसास हो जाएगा या महसूस होगा, ठीक है नहीं। तो ये क्या होती है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं शरीर में। अब हाथ है ये अलग, तो ये इससे मतलब काम तो करती, तो इसमें क्या होता है, हाथ इस मतलब ज्ञानेंद्रिय में नहीं है, ठीक है। तो इसका विकल्प ही हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन और दूसरा चैप्टर क्या, पहला हमारा वर्गीकरण हो गया और दूसरा चैप्टर एनालॉजी, जो सादृढ़ता परीक्षण जो होता है एनालॉजी टेस्ट, यानी कि उसका मैंने नहीं कराया, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए जीके, यानी कि नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए जीके में, साइंस में, हर तरह के मतलब साइंस हो चाहे वो, या हिंदी, हिंदी का भी आ जाएगा इस तरह से, या फिर किसी भी तरह का मतलब बना देगा वो, साइंस पर बना देगा, किताबों पर बना देगा ना, या फिर जीव जंतुओं पर बना देगा, किसी भी तरह का। तो ये पहले दो चैप्टर जो होते हैं दोस्तों ऐसे ही मतलब एडिटिंग एक या दो बार ऐसे मतलब ओरल ही बता दिया जाता है, या एक आध क्लास में एक आध लेक्चर में ऐसे ही समझा दिया जाता है कि ये चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन, ये केवल डिपेंड करेगा आप पर, ठीक है नहीं। ये आप पर डिपेंड करेगा आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना उसमें मतलब लगन से उसको कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा चैप्टर बात आती है, तीसरे चैप्टर की क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्या चैप्टर चल रहा है आपका तीसरा, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है नहीं। ये आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने कितने क्वेश्चंस करा दिए, 5 क्वेश्चंस करा दिए दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं 5 क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चंस भी अलग अलग तरह के कराए हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने 5 क्वेश्चंस करा दिए तो पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, पूरा चैप्टर 5 क्वेश्चन से नहीं होगा कहीं भी, ठीक है नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं होने का ये। और आप समझ रहे हैं कि मैं इस पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ कितने क्वेश्चन करा दूंगा, ज़्यादा ज़्यादा 5 करा दूंगा, 10 करा दूंगा, 20 करा दूंगा, 30 करा दूंगा, तो क्या 20 30 या 25 या 150 क्वेश्चन में चैप्टर पूरा हो जाएगा, नहीं होगा भाई। इतने क्वेश्चन तो आप बना सकते हो, हद है आपकी बनाने की, 100 150 इतने क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो अपने उससे ही सोच कर, ठीक है नहीं, माइंड से अपने का मतलब यार हम प्लस प्लस कर लेते हैं, अब माइनस माइनस कर लेते हैं, स्क्वायर पर या विपरीत लेटर पर, ठीक है, इतने क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो। तो ये आए हुए क्वेश्चन मैंने कराए हैं दोस्तों, तो मैं क्या आप समझूं कि थर्ड क्वेश्चन मतलब थर्ड चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि अगला चैप्टर कराएंगे तो थोड़ा उसका रिवीजन मतलब जल्दी हो जाएगा पूरा सिलेबस जो है, ठीक है। फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ इसमें थोड़े हटके और अलग, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन का बटन दबा दें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है, यानी कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करें फिर बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच पाए, आपके पास मिल पाए। YouTube आपका अपना चैनल है, YouTube अब हमारा है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो भी इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्त। और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स, अपने कजन सभी को आप शेयर कर सकते हैं चैनल को, लिंक को मतलब, ठीक है, और बता सकते हैं कि इस तरह से मतलब मैथ रीजनिंग क्लास स्टार्टिंग होती रहती हैं यहाँ पर। और दोस्तों मैं अभी कॉपी पेन वाली वीडियो थोड़ी नहीं बना पा रहा हूँ किसी वजह से, मैंने अभी जैसे बोला है एक दो दिन से मैं स्टार्टिंग कर दूंगा उसको भी, ठीक है, उससे क्या होगा हमारा सिलेबस जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसका 6 क्वेश्चन बिना है बातों का स्टॉप करते हुए, ठीक है, और बाकी जो है अपना भी है। हेलो दोस्तों, तो देखते हैं आइए इसका छठा क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन क्या है, एक खास कोड में इन व पा का अर्थ ही हैज वॉन है, मतलब आई एन इन वी ए यानी पी ई पा का अर्थ है ही हैज वॉन, ठीक है, किसी खास कोड में। और इसी प्रकार एल ई ले यानी के ई आई के आई के और बी ए वा का अर्थ है सी हैज लॉस्ट है, ठीक है नहीं, ये है। तो इन पे पा का अर्थ ही ऑलवेज वॉन हो तो ही का अर्थ क्या होगा, मतलब इसमें पूछ रहा है कि ही का हमें अर्थ बताना, इसका एक खास कोड में इसका मतलब ये दे रखा है और इसका मतलब ये और इसका मतलब ये दे रखा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक निशान आता है बोर्ड पर, तो इस वजह से मैं नहीं लिख पाया ठीक से इस क्वेश्चन को, मैं फिर से समझा दूं। एक खास कोड में इसको तो लिखा जा रहा है ये लिखा जाता है, और इसको लिखा जा रहा है ये, और इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ है ये,
ठीक है, तो हमें इसमें क्या बताना, ही का अर्थ बताना, किसका अर्थ बताना, ही का। इस तरह के कोडिंग एंड डिकोडिंग में ये क्वेश्चन आता है बिल्कुल अलग क्वेश्चन से, छठवा क्वेश्चन से, यानी कि छठा क्वेश्चन यानी सिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैं बता दूंगा आपको, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, मैंने पहले ये लिख लिया आराम से, ये लिखा हुआ नहीं आएगा, ये जो है आपका इतना लिखा हुआ नहीं आएगा, ये मैंने पहले लिख लिया, क्योंकि लिखने में फिर वीडियो टाइम ज्यादा लगता, ठीक है नी, तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो मैंने ये पहले ठीक से लिख लिया, और हो सकता है फिर जल्दबाजी में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, और फिर इस तरह से साफ तरीके से मैं लिख भी नहीं पाता, ऐसे ही लिखता फिर आपके सामने लिखता, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये ऊपर को क्वेश्चन है यहाँ से लिखना, ठीक है नी। अब मैंने इसमें थोड़ा साफ साफ और दूर दूर लिखा है, अब मैंने इसमें समीकरण बना के लिख लिया, यानी कि इन वा और पा का अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ तो है ये दोस्तों, इस वाले का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, ये है। तो हमें बताना है किसका अर्थ बताना, ही का अर्थ बताना। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, समीकरण मैंने तीन बना ली, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर तीन। तो इन तीनों समीकरण में हम कॉमन देखेंगे, तो जैसे कि हम देखें पहली और दूसरी समीकरण में, यानी कि पहली और दूसरी समीकरण में हम देखें क्या कॉमन है। तो देखो ये वाला जो वा है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, इधर दोनों में कॉमन हो गया। हम देखेंगे अब इसके अर्थ में क्या कॉमन है, तो इसमें क्या है ये, मैं यहां पे ऐसा बना दूं, इसमें ये कॉमन है, तो क्या वा इसमें कॉमन है दोनों में, और इन दोनों समीकरण में भी हैज कॉमन है, तो क्या वा का मतलब हैज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। इसका मतलब क्या होगा, हैज का मतलब वा का मतलब हैज होगा, और हैज का मतलब क्या होगा, वा होगा, ठीक है नी। लेकिन ही का मतलब पूछ रहा है ये, ना कि हैज का और ना कि वा का, अगर इन दोनों में से पूछता तो हमारा अभी आंसर आ जाता, ठीक है नी। लेकिन अब फिर देखते हैं हम पहली और तीसरी समीकरण में देख लेंगे, पहली और तीसरी समीकरण में फिर से कॉमन देखेंगे आप। तो पहली और तीसरी में क्या है दोस्तों, ये है हमारा, मैं इसको यहाँ त्रिभुज बना दूं, ठीक है नी, ये हमारा ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो हम पहले और तीसरी समीकरण में भी देखेंगे कॉमन, तो इसमें क्या कॉमन है दोस्तों, ये ही आ गया, क्या आ गया, ही, तो ही कॉमन है आ गया। देखो इसमें पहले और तीसरी समीकरण में पीई यानी कि पीई यानी कि पे जो भी है, ठीक है ना, ये कॉमन आ गया। इसमें क्या पी या ही कैसे है, पे कहते हैं, ठीक है ना, पी आ जाएगा, जैसे ये ही हो गया ऐसे पी बोल देंगे हम इसको, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच ई यानी कि ही कॉमन हो जाएगा, ठीक है, पहले और तीसरी समीकरण में। तो ये पूछ क्या रहा, ही का अर्थ पूछ रहा। तो दोस्तों यहां से आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण में क्या देखते हैं, हम कॉमन देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉमन। इनमें जब हम कॉमन देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, वा का आ रहा है, वा का अर्थ होके कॉमन आ रहा है दोस्तों हैज, क्या आ रहा है, हैज। तो इसका मतलब तो ये हो गया, ठीक है। और समीकरण पहली और तीसरी, इन समीकरण में क्या आ रहा है कॉमन, इनमें समीकरण में कॉमन आ रहा है दोस्तों, इसमें आ रहा है पीई यानी कि पी, ये जब ये कॉमन आ रहा है, मैंने यहां त्रिभुज बना दिया, तो इसमें क्या आ रहा है, इधर लेफ्ट साइड में इधर आ रहा है, राइट साइड में क्या आ रहा है, ही आ रहा है। तो ही का अर्थ क्या होगा, लिखेंगे यहां पर ही का अर्थ, ही का अर्थ जो होगा मेरे भाई बी और ए यानी कि ये, सॉरी पी ई, क्या होगा, पी और ई, ये इसका आंसर होगा यानी कॉमन होगा, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा, ही का पे होगा, ठीक है। तो ही का अर्थ इन्होंने पूछा तो इसका आंसर ये हो जाएगा पी ई यानी कि पी जो है, पी है पी ई, ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी अलग हो गया, ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का है, सारे क्वेश्चन मैंने जितने फर्स्ट टू सिक्स ये सिक्स क्वेश्चन करा दिए हैं, तो सबके अलग अलग क्वेश्चन कराए। क्या अब मैं इस चैप्टर को यहाँ फिनिश समझूँ, देखो क्वेश्चंस तो बहुत हैं इस तरह के, इसमें कम से कम बुक में 200-250 सवाल दे रखे हैं मेरी बुक में, है ना, आपकी बुक होगी कोई अलग होगी उसमें पता नहीं 200 दे रखे हों या 150 या 100 या 50, फिर प्रैक्टिस सेट लाओगे आप मार्केट से खरीद कर तो उसमें भी अलग होंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत बन जाएंगे, हमारे निपटाने का मतलब नहीं होता, हमें पैटर्न सीखना होता उसका, मतलब चैप्टर में किस तरह के, कौन से चैप्टर में किस एग्जाम में किस तरह के मतलब पैटर्न आते हैं, ठीक है, पैटर्न उसका कैसे है, क्या होता है उसका, ठीक है, तरीका आना चाहिए। बाकी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने एक क्वेश्चंस बता दिया, इस तरह से देखते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया, अब मैं कल लेकर आऊँगा अगली वीडियो में दिशा एंड दूरी, दिशा एंड दूरी यानी कि दिशा और दूरी जिसको बोलेंगे हम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस
पर आपको क्वेश्चंस मैं करा कर लेके आऊंगा और शुरू से ही कराऊंगा। पहले उसके बारे में बताऊंगा कौन सी डायरेक्शन किस तरह से हमें लेनी है, या किस सिंबल से लेनी है, किस साइन से लेनी है, कैसे किस तरह से लेफ्ट में राइट में कौन सा, ठीक है। ये सब मैं बताऊंगा आपको, दिशा और उपदिशा भी बताऊंगा उसमें, और दिशा और दूरी यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर मैं आपको कल लेकर आऊंगा वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी वीडियो। और अभी तक आपने वीडियो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कीजिए अच्छे से, जितने भी कर रहे हैं आप अच्छे मेहनत कीजिए, और मिलते हैं तब तक के लिए विदाई दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। और तब तक आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।